चाहती हो? हिचकी की बम्पर सक्सेस के बाद बॉलीवुड स्टार रानी मुखर्जी अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में जुट गई हैं। वो अपनी सुपरहिट फिल्म मर्दानी 2 के साथ दर्शकों के पास पहुंचने वाली हैं। इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक के किरदार में अपराधियों के छक्के छुड़ाते हुए दिखाई देंगी। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और राजस्थान में हो रही है। फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है जबकि दूसरा शेड्यूल चल रहा है। इसी बीच रानी मुखर्जी का पुलिस अधीक्षक के रोल में फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है। रानी की इस फोटो से साफ नजर आ रहा है कि रानी मुखर्जी ने इस किरदार के लिए हाल के दिनों में खूब मेहनत की है। कुछ दिनों पहले भी रानी की फिल्म की शूटिंग सेट से कुछ फोटोज वायरल हो गई थी। बता दें कि फिल्म में रानी मुखर्जी पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म के पहले पार्ट को साल 2014 में रिलीज किया गया था जिसमें रानी मुखर्जी ने क्राइम ब्रांच की सीनियर इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म में रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय ने फैंस को हक्का भक्का कर दिया था। अब इस फिल्म के सीक्वल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मर्दानी 2 में इस बार रानी मुखर्जी का सामना एक किशोर युवा से होने वाला है जो है दमदार विलन। इसके लिए एक नए एक्टर को साइन किया गया है। इस बार ये विलन पिछली फिल्म से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पिछली बार ताहिर राज भसिन ने अपने विलन के रोल से सभी को हैरान कर दिया था। इस बार देखना होगा कि रानी किस तरह से विलन से लड़ते हुए चाइल्ड ट्रैफिकिंग को खत्म करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्दानी 2 से चंकी पांडे के बेटे यहान पांडे भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं। रानी की इस फिल्म को गोपी पुरथन डायरेक्ट कर रहे हैं जबकि आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बीते साल अपनी फिल्म हिचकी के साथ रानी मुखर्जी ने सिल्वर स्क्रीन पर धमाका कर दिया था। बता दें कि मर्दानी 2 की रिलीज डेट का ऐलान अभी नहीं हुआ है। हालांकि फिल्म इसी साल रिलीज होने की बात कही जा रही है। मर्दानी 2 के और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मर्दानी 2 के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और CS ट्रेनिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।